हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं इन वस्तुओं की आकृतियां भी अलग होती हैं। जैसे यह गोल आकृति के हैं, यह वस्तु चौकोर है, और कुछ वस्तुएं त्रिकोणी भी होती हैं, जिन्हें हम गणित की भाषा में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बनता है। तो इस त्रिभुज की भुजाएं देखते हैं, एक, दो, तीन। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बनता है। क्या हम इस आकृति को त्रिभुज कहेंगे? नहीं, क्योंकि यह तो खुला है और त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को कहते हैं, तो इसे बंद करके त्रिभुज बनाते हैं। अब बनाइए त्रिभुज। आप जानते हैं कि त्रिभुज जिन रेखाखंडों से मिलकर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भुजाएं कहते हैं। इस त्रिभुज में ए बी, बी सी और सी ए तीन भुजाएं हैं। फिर से देखते हैं, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनता है। अब आप ये बता सकते हैं कि दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर दो भुजाएं मिलती हैं, उन्हें शीर्ष कहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कितने शीर्ष हैं? जी हाँ, इसमें तीन शीर्ष हैं, ए, बी और सी। तो शीर्ष वह बिंदु होते हैं जिन पे त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं, और एक त्रिभुज में तीन ही शीर्ष होते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या सभी त्रिभुज एक जैसे होते हैं? बिल्कुल सही, आपने ठीक सोचा, सभी त्रिभुज एक जैसे नहीं होते। अब जरा इस त्रिभुज को देखते हैं और इसकी भुजाओं को माप कर देखते हैं। देखिए, ये तीनों बराबर भुजाएं हैं, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं? इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि ये तीन भुजाओं वाला तो है ही, लेकिन इसकी तीन भुजाएं बराबर हैं। अब जरा हम इस त्रिभुज को देखते हैं और इसकी भुजाओं को माप कर देखते हैं। ये देखिए, इसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं, पर एक
भिन्न है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हमने नाम दिया है समद्विभाजु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी कोई त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो? जी हाँ, एक त्रिभुज ऐसा भी होता है। देखें, ये देखिए, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी समान नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? इसे विषमबाहु त्रिभुज का नाम दिया गया है। इसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तो आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा, क्यों ना हम उसे कविता के द्वारा गाएं? तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है, एक कोना खोल दे तो गायब हो जाती है। तीन बराबर भुजाएं मिलकर एक नई आकृति बनाती हैं, ये आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाती है। एक अलग और दो बराबर जब संग संग आती हैं, यह आकृति समद्विभाजु त्रिभुज कहलाती है। अगर उसमें हो तीनों भिन्न भिन्न, विषमबाहु त्रिभुज बन जाती है। तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। आप बता सकते हैं कि त्रिभुजों का वर्गीकरण और किस आधार पर होता है? ये जानने के लिए हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे।